सो गाइज इस समय मैं हूँ, कहाँ पे हूँ मैं भाई? गुप्त काशी, गुप्त काशी, गुप्त काशी, या हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और गाइज हम लोगों की गाड़ी फाइनली अच्छी ठीक है वही है एकदम, और अब हम निकले हैं अपने भोलेनाथ के दर्शन के लिए। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ पे हम लोग? सीधा सोनी प्रयाग जा रहे हैं, सोनी प्रयाग जा रहे हैं हम लोग। वहाँ पे अपना गाड़ी पार्किंग करेंगे, वहाँ हम लोग गाड़ी पार्क करेंगे, उसके बाद हम ट्रैकिंग करेंगे। यस, 14-15 किलोमीटर। यस गाइस, काफ़ी डेंजरस है वो तो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है यार। मैं हम लोग कभी भी नहीं गए, हम सब फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो बड़ा एडवेंचरस है। और यहाँ पे यार जिस तरह से ये रास्ते आ रहे हैं ना, पहाड़ों से निकलते हुए हम जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सो बने रहिए साथ में और देखते हैं आगे, दिखाते हैं आपको हसीन बातें, दिखाते हुए चलते हैं कुछ। चलो दिखाओ शिवम जरा इनको। ओह माय गॉड, क्या लग रहा है यार। गाइस यार कभी भी चांस मिले ना लाइव में तो जरूर आना यार केदारनाथ, जरूर आना। आगे भी देख लेना। यहाँ से भी पैदल गया भैया, बैल भी लेके। क्या तगड़ा व्यू है यार, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। ऐसा लग रहा है पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं, चीरते हुए तारा भाई ना उड़ा देगा बस गाड़ी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ऐसा तो भाई मैंने तो रील्स में, इंस्टाग्राम के और यूट्यूब पे ही देखा था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ भाई मैं। बहुत मस्त है, बहुत प्यारा है यार, बहुत है। कभी लगता है पहाड़ों में जा रहे हैं, कभी लगता है बादलों में जा रहे हैं, कभी लगता है जंगल में घुस रहे हैं। सब चीज का कॉम्बो। ये देखो झरना, अरे भाई वाह। आप ट्रैफिक में फंस जाए और आपके पास पानी पीने के लिए ना हो तो ज्यादा बकचोदी ना काटे और ये झरने वाला पानी चुपचाप पी ले, क्योंकि बहुत ही मतलब प्योर ही पानी रहता है, क्या ही बताएं। हां यार देखो, यही देखने का था अपने को, रात में ये चेंज नहीं मिलता। बस 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 गाइस, ऐसे ऐसे हम लोग ऊपर जाए जा रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं हम लोग ये व्यू, आप एंजॉय करो व्यू देखो। Let's just record. Wow. So beautiful. Kailash. Kailash Parbat. यहाँ पे शंकर भगवान रहते हैं। So guys, इस समय मैं हूँ, कहाँ पे हूँ मैं भाई? गुप्त काशी? गुप्त काशी, गुप्त काशी, या सो गाइज मैं इस समय गुप्त काशी पर हूँ और यहाँ से हम केदारनाथ बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है लगभग। और ये देखिएगा मेरे पीछे क्या व्यू है, ओ माय गॉड गाइस, आप देख रहे हो, मैं आपको फ्रंट कैमरे दिखाता हूँ, ये देखिए, मतलब आपको नहीं दिख रहा होगा लेकिन अभी देखिए सामने बादल है और ये पहाड़ों के बीच में, ये वाह माय गॉड। और वहाँ पे धूप क्लियर दिख रही है ना, तो आप शायद वीडियो में ना देख पाए लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है वो जो पत्थर है जिसके ऊपर बर्फ डली हुई है, उस बर्फ के ऊपर भी धूप की शाइनिंग वो साफ क्लियर नज़र आ रही है। ये यहाँ पे देखो जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और ये देखो गाइस नीचे, अभी हम सोन प्रयाग यहाँ से 13 किलोमीटर है और केदारनाथ 35, 7 बजने वाले हैं। ये रूट ऐसा है ना, यहाँ पे बहुत स्लो 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 स्पीड, ये लगा लो कि
15-20-25 तक रहती है और स्लो ट्रैफिक चलता ही रहता है क्योंकि वन लाइन है ये। 0 से 15-25 तक पहुँच जाएंगे हम भी टाइम से। आज हम जाके सोनपुर रुकेंगे, फिर सुबह हम लोग भोले के यहाँ पे हाजिरी देंगे, अपने बाबा के दर्शन करेंगे। सो गाइज हम लोग आ गए हैं सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जो है लास्ट स्टॉपेज है, आई मीन यहाँ पे अगर आप गाड़ी से आते हैं फोर व्हीलर से तो यहाँ पे आपको खड़ी करनी होगी। आप ट्रैकिंग करेंगे ऊपर के लिए, मतलब ऐसा सुना है, पता मुझे भी नहीं एक्चुअली, तो अभी सब देखेंगे। 9 बज गए हैं रात के, हमें आने में मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। इतना पास में थे हम लोग, 30-35 किलोमीटर चलने में हम लोग को 4 से 5 घंटे मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया होगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं कुछ यहाँ पे खा लेते हैं, खाना वाना खा के थोड़ा भूख लग रही है, फिर हम सुबह कोशिश करेंगे जल्दी यहाँ से निकले 4-4:30 बजे, तो ही हम कल रिटर्न आ पाएंगे, वरना हमारा कोई चांस नहीं है। खाने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिल रही है किसी भी होटल में, अजीब बात है यार। हम आए हैं यहाँ पे खाना खाने, रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं यार। तो ये आग जला के दिखा रहा है सब, खाना तो देर रात की देर होगी। इतनी देर बाद जाके खाने का नंबर आएगा इस यार, 11:30 बजने वाले हैं अब जाकर हमने खाना खाया है। मेरी आंखों में तो नींद भरी हुई है यार, गाड़ी मैंने पार्किंग में लगा दिया और 3-4 घंटे के लिए तो सोना ही है, तो सोच रहा हूँ गाड़ी में ही सो जाते हैं हम लोग, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे उठेगा, जल्दी ऊपर चढ़ाई करनी है बाबा के यहाँ। काफ़ी रात हो गई यार गाइज, 11:30-12 बजने वाले, मेरी आँखों में नींद भरी हुई है। खाना वाना सब हो गया, मैं तो जा रहा हूँ सोने, क्योंकि सुबह 4:30-5 बजे जल्दी उठ के चले गए अपने केदारनाथ पे, तो गाड़ी पार्किंग में लगी हुई है और मैं सो रहा हूँ यहीं पे, 4-5 घंटे तो सोना ही है बस, तो सुबह उठ के चल लेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं सुबह अपने नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को मैं यहीं कहता रहा हूँ, टाटा बाय बाय, जय हिंद।